नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं गार्डन से संबंधित कुछ नहीं बल्कि आपको अपने किचन में ले जा रही हूँ। मैं एक तरीके के फ्राइड राइस बनाती हूँ जो मैंने बचपन में अपनी माँ को बनाते हुए देखा था। वो उनका तरीका डिफरेंट था और प्लस हमारे जो जैसे हम लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उनके अपने तरीके के चावल होते हैं, उसमें वो लोग करी पत्ते का यूज़ करते हैं और चने की दाल, उड़द की दाल, हींग का वो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। हालांकि हम लोग भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी यूज़ करते हैं। प्लस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैसे वो चिली सॉस, सोया सॉस या विनेगर, इन सबको मिला के एक तरीके के राइस बनाते हैं जिसमें वो वेजिटेबल्स भी डालते हैं, कैप्सिकम वगैरह। तो मैंने एक फ्यूजन तैयार किया है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका, सीधा चलते हैं मेरे किचन में एंड जानते हैं, देखते हैं कैसे ये चावल तैयार होते हैं। तो जो फ्राइड राइस है उसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या है। तिल, अंकुरित चने, मिक्स फ्रोजन सब्जियां, धनिया, मूंगफली, कैप्सिकम, हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा चिली सॉस। चौके के लिए चना दाल, उड़द दाल और हींग, और इसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स भी डाली हुई है, हरी शिमला मिर्च, करी पत्ता, हींग, सोया सॉस, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, प्याज लंबा बारीक कटा हुआ, वर्जिन सेसमी ऑयल, शहद थोड़ा सा स्वाद के लिए। चावल पके हुए, ये मैंने पहले ही पका के रखे हुए हैं। कैबेज, पत्ता गोभी ये मैंने काट के रखी है, थोड़ा सा जीरा। गैस के ऊपर एक पैन रखें और गैस को जलाएं। जब बर्तन थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें 1.5 टीस्पून सेसमी ऑयल डालें, तिल का तेल। चेक करें अगर तिल का तेल गर्म हो गया है प्रॉपरली तो आप उसमें थोड़ी सी हींग डालें। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें और इसे सौटे करें। सौटे करने के बाद इसे किनारे की तरफ करें और कटी हुई प्याज इसमें डालें। प्याज को अच्छे से सौटे करें, ध्यान दें प्याज अच्छे से सौटे हो, और उसमें थोड़े से सौटे होने के बाद उसमें करी पत्ता आप डाल सकती हैं। प्याज को चलाती रहें। ये करी लीव्स डाल दीजिए और करी लीव्स डालने के बाद उसको अच्छे से चलाएं और एक एक कर आप सब्जियां इसमें डालें। मैंने मिक्स सब्जी डाली है जिसमें कि गाजर, बीन्स और मटर थी। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। सब्जियों को डालते समय उन्हें अच्छे से मिलाते रहें। अंकुरित चने डालें, कैप्सिकम डालें, लाल रंग की शिमला मिर्च। अब इसमें पत्ता गोभी डालें और हरी शिमला मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इन सब्जियों को अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नमक डालें, स्वाद अनुसार नमक डालिए और थोड़ी सी लाल मिर्च एज पर योर टेस्ट। अब इसमें ये सोया सॉस डालें, चिली सॉस डालें। चिली सॉस डालने के बाद सारी सब कुछ अच्छे से मिलाएं। गैस की आंच इसमें तेज होनी चाहिए क्योंकि आपने इसमें नमक डाला है, ये विनेगर मैं डाल रही हूँ, और नमक डालने के बाद सब्जी पानी छोड़ती है तो गैस की आंच आप तेज रखेंगे तो सब्जी अच्छी रहेगी, भुनेगी अच्छे से। अब इसमें ऐसा ढक्कन रखें जो कि इससे गर्म हवा बाहर आती रहे।
ढक्कन हटाकर मैं दोबारा देख रही हूँ अगर सब्जी थोड़ी बहुत पकी है तो। 1 या 2 मिनट के लिए ही मैंने ढक्कन रखा था, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए। एंड देन मैं वापस, अब इस पर कोई ढक्कन नहीं रख रही हूँ। मैं चावल लेती हूँ क्योंकि चावल कई बार मिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, तो थोड़ा सा पानी का हाथ लेकर मैं उन चावलों को अलग कर रही हूँ ताकि जब मैं उन्हें सब्जियों में डालूँ तो वो हर चावल अलग अलग हो और सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो सकें, जो भी हमने सामान इसमें सामग्री का उपयोग इसमें किया है। चावल डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएं। ध्यान दें कि सब हर चीज़ चावल में मिक्स हो। इसे अच्छे से चलाती रहें। अब ये देखिए चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, सभी सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा रॉ शहद, रॉ हनी मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा और इसका उपयोग मैं काफ़ी करती हूँ। तो चीनी, कुछ लोग चीनी डालते हैं बट मैं हनी का यूज़ करती हूँ। हनी इसमें डालिए, मिलाइए और इसे रख दीजिए। दूसरी तरफ आप एक कढ़ाई लीजिए, एक छोटा सा पैन लीजिए। एंड अब हमें तिल भुनने हैं जो कि जिसको हमें गार्निश करना होगा चावल के ऊपर। तिल को अच्छे से भूनिए, अपनी आंखों को तिल से बचाइएगा, अपनी स्किन को भी, बिकॉज जब तिल भुनते हैं, रोस्ट होते हैं तो वो चटकते हैं एंड दे कैन यू नो जस्ट फॉल ऑन योर लैंड ऑन योर आई। तिल अच्छे, ऐसा लगता है जैसे तिल ऑलमोस्ट भुन गए हैं। आप देख सकती हैं जब तिल अच्छे से फूल जाते हैं, खुशबू आने लगती है, तो वो भुन गए हैं। मैंने उन्हें अलग निकाल दिया है। मैंने उसी सेम कढ़ाई, क्योंकि वो गर्म है, उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा तिल का तेल डाला है और ये छौंके की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये कड़ी पत्ते हैं, हरी मिर्च है, जीरा है, चने की दाल है और उड़द दाल है और इसमें हींग भी है। अब मैं इसको कढ़ाई में डालती हूँ और ये छौंका मेरा तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छी आवाज़ और खुशबू आ रही है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा। हल्का सा भुनने के बाद अब मैं इसमें मूंगफली डालने वाली हूँ और मूंगफली मैंने डाली। अच्छे से चलाना है, कोशिश करनी है कि जलना भी नहीं चाहिए और अच्छे से भुनना चाहिए और तब तक चलाना है करछी से जब तक इससे एक अच्छी सी तड़के की खुशबू ना आ जाए। जब आपको लगे कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, चने की दाल और उड़द की दाल सब भुन चुकी हैं, तो आप वो तड़का लेकर वो छौंका सारा राइस में डाल दीजिए। इसे अच्छे से राइस में मिक्स कीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू आनी ऑलरेडी शुरू हो गई। और ये देखिए अब मैं तिल इसमें डाल रही हूँ, जो तिल मैंने भून के अलग रखे थे, थोड़े से तिल मैंने अलग बचा दिए हैं क्योंकि जब मैं चावल को गार्निश कर रही होंगी तो मैं उन तिल का यूज़ करूँगी उन्हें ऊपर डालकर। ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है मुझे। जैसे मैं बना रही हूँ तो मेरे खुद मुंह में पानी आ रहा है, आप महसूस कर सकते होंगे कि मेरे अभी बोलते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और इसे मैं धनिया और भुने हुए तिल से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए मैंने गार्निश कर दिया इसे और ये मेरे फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। आप भी ऐसा अपने घर में बनाइए। आई होप ये आप सबको पसंद आए। थैंक यू।